टू अवर चैनल मैकेनिकल स्ट्रीम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो कि अवेलेबल है महिंद्रा कंपनी में। फ्रेंड, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वह अवेलेबल है फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए। एंड ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वह है अक्रॉस ऑल इंडिया लोकेशन। एंड इसमें सभी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम महिंद्रा कंपनी की ऑफिशियल करियर पेज पे हैं। आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे देन आप यहाँ पे बिलो देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोकेशन भी दिया गया है मुंबई। देन आप देख सकते हैं कि मैनेजर फॉर इलेक्ट्रिक कोर एंड MELT। देन आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर फॉर SVPC। देन इंजीनियर फॉर बॉडी सिस्टम, एरिया सेल्स मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। देन सिमिलरली आप देख सकते हैं मैनेजर फॉर ह्यूमन रिसोर्स, सप्लायर अकाउंट मैनेजर एंड इस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड जैसे ही आप पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे देन आप और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर फॉर मशीनिंग, देन असिस्टेंट मैनेजर फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर फॉर NPME ट्रैक्टर, डिप्टी मैनेजर फॉर इंजन असेंबली। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर इगतपुरी लोकेशन। तो आप जैसे ही इस यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे बहुत सारे पेज नंबर्स दिए गए हैं। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेक कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ने सेलेक्ट की है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज है वह है असिस्टेंट मैनेजर फॉर मशीनिंग एक्सेल डिपार्टमेंट। देन आप देख सकते हैं कि जॉब पोस्टिंग डेट है 6 दिसंबर एंड लोकेशन आप देख सकते हैं मुंबई है। एंड कंपनी का नेम देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रोसेस इशूज, क्वालिटी इशू एंड रिजोल्यूशन रिलेटेड टू गेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस, कटिंग टूल मटेरियल्स एंड जियोमेट्रिक्स। एंड आपको कंडक्ट करना होगा ट्रेनिंग ऑन टूल्स एंड टूलिंग ऑन लेटेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल लाइफ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और रिप्लेसमेंट ऑफ टूल विथ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। एंड आपको डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस, न्यू मॉडल मशीनिंग सेटअप, लाइन सेटअप एंड रैम्प अप, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट थ्रू आप देख सकते हैं डी बॉटल नेकिंग एंड इंप्रूवमेंट, रिजेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीरो रिजेक्शन कंसेप्ट। देन आप देख सकते हैं रेवेन्यू कॉस्ट, देन रिडक्शन इनिशिएटिव्स फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट। तो देख सकते हैं इस टाइप की एक्टिविटी आपको इसमें परफॉर्म करनी होगी। देन आप देख सकते हैं आपको जनरेट करना होगा सेफ वर्किंग कल्चर, डेवलप इंप्रूवमेंट कल्चर, नॉलेज ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स एंड अदरेंस थ्रू द रिव्यू। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको नॉलेज होने चाहिए जैसे कि QS स्टैंडर्ड देख सकते हैं आप, देन PFMEA, देन कंट्रोल प्लान। आपको ड्राई करना होगा प्रोडक्टिविटी थ्रू रेगुलर रिव्यूज फॉर इंडिकेटर्स लाइक OLE एंड OEE। इसमें देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वह है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी और एनी ब्रांचेस। देन आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 2 to 7 years की है। तो इसमें आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप इसमें मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन बैठती है तो आप प्लीज़ इसे अप्लाई करें। फ्रेंड, इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे वह हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं जो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वह है डिप्टी मैनेजर फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड, यह जो अपॉर्चुनिटी इगतपुरी लोकेशन के लिए है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जॉब पोस्टिंग डेट है 6 दिसंबर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है जैसे कि वर्क कंटेंट मेजरमेंट यूजिंग मोस्ट फॉर न्यू वेरिएंट्स। देन आप देख सकते हैं मेथड चेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि लाइन बैलेंसिंग फॉर डिफरेंट TACT एंड फॉर डिफरेंट मॉडल, मिक्स एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैन पावर फॉर ईच शॉप। देन आप देख सकते हैं इर्गोनॉमिक स्टडी ऑफ लाइन एसोसिएट, स्टेजेस इन शॉप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। सिमिलरली आप देख सकते हैं न्यू मॉडल्स, वेरिएंट्स, वर्क कंटेंट, कैलकुलेशन, लाइन बैलेंसिंग, एग्जीक्यूशन एंड जो मैन पावर की प्लानिंग है उनकी मॉनिटरिंग फॉर द शॉप फ्लोर। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी बॉटलनेक एंड डी बॉटलनेकिंग एज पर रिक्वायरमेंट। देन आपको ट्राई करना होगा PDCA साइकिल जो कि प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट रेडीनेस विथ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव इन शॉप फ्लोर। सो आप देख सकते हैं इस टाइप की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वह है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और इन मैकेनिकल ब्रांचेज आर रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 2 to 5 years की दी गई है। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वह है बॉडी सिस्टम। सो इसको हम डिस्कस करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल मैकेनिकल स्ट्रीम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम
फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे एंड आप जॉब अपॉर्चुनिटीज में जल्दी अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं इंजीनियर फॉर बॉडी सिस्टम डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि लोकेशन चेन्नई का दिया गया है एंड दी एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं डेट जो दी गई है वह है 6 दिसंबर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड की डिलीवरेबल्स दिया गया है, जैसे कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एज पर प्रोग्राम माइलस्टोन, देन सपोर्ट प्रोजेक्ट डिलीवरी रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन फ्रॉम किक ऑफ टू इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग QFD, देन बेंच मार्किंग फीचर एनालिसिस इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मॉडल प्रिपरेशन एंड रिलीज, देन आपको CAE एंड फिजिकल वैलिडेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा एंड आपको थोड़ी बहुत CAD की नॉलेज की होनी चाहिए फॉर इंजीनियरिंग प्रपोजल प्रिपरेशन इन कंसल्टेशन विथ इंटरनल एक्सटर्नल सप्लायर, देन आपको रिलीज ऑफ ड्राइंग्स मॉडल्स विद सिस्टम इंजीनियर, देन आपको बिल ऑफ मटेरियल की प्रिपरेशन करनी होगी एक्सपोजर टू ग्लोबल रिक्वायरमेंट फॉर BIW इंजीनियरिंग एंड E7 डिज़ाइन, देन कंसेप्चुअलाइजेशन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ BIW क्लोजर अंडर बॉडी सीट मेटल पार्ट्स, देन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा टू CDMM एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन टीम फॉर पार्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी इनिशिएटिव्स। देन आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 2 to 3 years की है एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो फ्रेंड कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज में आप लोग को कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। फॉर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप की पेज ओपन होगी, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है फॉर महिंद्रा में, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। उसके बाद आपको इस टाइप की पेज ओपन होगी, तो इसमें आपको अपने जो भी डिटेल्स है इसमें प्रोवाइड करना है एंड आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड फ्रेंड आप जैसे ही ID क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन करना है यूजिंग योर email ID एंड पासवर्ड एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है जॉब में। एंड फ्रेंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज या कोई भी आपको डाउट आता है फॉर अप्लाइंग दी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज़ कमेंट, हम उसको चेक करेंगे एंड उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब मैकेनिकल स्ट्रीम। थैंक यू।